गुड मॉर्निंग, राम राम सा। वॉक होएगी है माणी, सुबह रो दिन है, सुबह की शुरुआत है और मैं लोग जा रहे हैं घरे घरे जार बनाऊं मैं आज बहुत ही जबरदस्त राजस्थानी नाश्तो जो कि आप साथ शेयर करूं। तो चलो पहला घरे चला पछे बताऊं कि मैं आज नाश्ता में कई बनाऊं वाली हूं। तो अबे आपा बनावा नाश्तो, नाश्ता में महीने में बनाऊं मसाला बाटी। रात का मैं बाटी बनाई थी तो वह बच गई थी, तो अबे मैं सोचो मसाला बाटी बना लूं। वीर वास्ते मैं तेल डाल दियो हूं, तेल महीने डाली हूं जीरो, और जीरो थोड़ो सो पक जाए तो आपा डाला प्याज और हरी मिर्च। और आ बाटी रो नाश्तो जो सुबह आपा बनावा मसाला बाटी, वो बहुत जोरदार बने, सबने पसंद आवे और आप लोग भी बनाओ हो कहीं मने कमेंट कर जरूर बताई जो। बस प्याज और हरी मिर्च ना आपा थोड़ी सी पका लेवा, और जना थोड़ा सा पक जाए जना आपा डाला कटियोड़ा टमाटर, और भी सब्जियां डाल सको हो पर मैं तो इतनी सब्जियां डालू हूँ, प्याज हरी मिर्च टमाटर, बस इतनी सब्जियां इनफ है। तो बस टमाटर ने थोड़ा सा आपा गड़ा लेवा, जब टमाटर थोड़ा सा पक जाए पछे आपा डाला इन महीने मसाला। और मारी मारवाड़ी आपने कीकर लाग रही है मने जरूर कमेंट कर बताई जो। और आ है लाल मिर्च पाउडर मैं डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ, हमें थोड़ी सी डालना आपा इन महीने हल्दी। और बस अब लो फ्लेम माते आपा मसाला ने पका ले वाला, ध्यान रख जो गैस ने अपने कम ही रखनो है, कम गैस माते आपा ने धीमी धीमी आँच माते आपा ने मसाला ने पका लेनो है। और मसालों जब पक जाए पछे आपा बाटी ने डाला, बाटी ने मैं छोटे छोटा टुकड़ा में तोड़ लियो हूँ, और वो बाटी रो जो मसालो है वो धीमी धीमी आँच माते पक के जना ही स्वादिष्ट बनिया करे। तो बस मसालो आपनों देखो पक गयो है, टमाटर ने ज़्यादा गड़ावनो नहीं है, और अब आपा डाल देवा बाटी, और इन्हें भी आपा धीमी धीमी आँच माते मिक्स कर लेवा। बाटी और मसालो जब अच्छे तरीक़े में मिक्स हो जाए तो आपा डालना इन महीने नींबू की खटाई। नींबू की खटाई आप जरूर डाल जो, बहुत ही जोरदार लगे नींबू की खटाई महीने। तो टमाटर तो आपा डालिया यहाँ पर, टमाटर इतना खट्टा नहीं है, इन वास्ते मैं नींबू की खटाई जरूर देऊँगा और आप भी जरूर दीजो। और मारी रेसिपी देख रहा आप मसाला बाटी जरूर बनाई जो, और मने मारी रेसिपी कैडी लगी वह भी मने कमेंट कर जरूर बताई जो। और अटे आपा आधो नींबू निचोड़ दियो हों, अब डालना इन महीने फ्रेश फ्रेश कटियोरो हरो धनो, अगर आप रेप करना हरो धनियो है तो वो भी डाल सको, सूखियोड़ो पुदीनो है तो वो भी डाल सको हो, और फ्रेश पुदीनो है तो वो भी डाल सको हो। ए फ्लेवर इन महीने बहुत ही जोरदार लगे। तो हमें बस धीमी धीमी आँच माते इन्हें आपा अच्छी तरीक़े मिक्स कर देवा, नाश्तो कर पछे मैं आप मिल लूँ और पछे मैं बनाऊँ बहुत ही जोरदार गन्ना रो रस, वो भी घर रे महीने। और हमें नाश्तो मैं कर लियो हूँ, नाश्तो कर थोड़ा बहुत काम कर मैं आई गई हूँ गन्ना रो जूस बनाऊन वास्ते। हाँ सा गन्ना रो जूस ही बनाऊँगा, वो भी घर रे महीने। मैं इंस्टाग्राम माते बहुत सारी रील देखी और मैं सोचो यार चलो ट्राई कर लेवा, तो मैं आटे मिक्सी जार में डाल दियो हूँ, कूटियोड़ो गुड़, गुड़ ने थोड़ा सा कूट मिक्सी जार में डाल दियो हूँ। और अब मैं आपा डाला इन महीने थोड़ा सो फ्रेश पुदीनो और बर्फ, और बर्फ़ डालिया पछे आपा इन महीने डालना थोड़ो सो कालो नमक और थोड़ो सो चाट मसालो। जिकी जिकी चीज़ें मैं डाल रही हूँ आप जरूर डाल जो, चाट मसालो भलाई मत डाल जो। और आधो नींबू रो रस, आधो नींबू रो पूरो रस आधो निचोड़ देवा, और इन महीने थोड़ो सो पानी डालना, थोड़ो सो पानी डालिया पछे आपा इन में घुमा लेवा, थोड़ो सो पानी डाल और घुमार पीस लेवा, पछे आपा उतो पानी डालना जितो आपा ने गन्ना रो रस चाहिए। मैं दो ग्लास बनाया हूँ, तो बस अभी ने पूरी तरीका घुमार पछे आपा छान लेवा, छान जो जरूर क्योंकि पुदीना रस पत्ता अगर नहीं पीसे वे मुंडा मावे तो वे अच्छा नहीं लगे। तो छाणिया पछे आपा ग्लास में भर लेवा, और मैं ब्लॉग आप रो अब एडिट कर रही हूँ, पहला मैं गन्ना रो जूस पी चुकी हूँ और बहुत ही शानदार बने हो, तो आप भी जरूर बनाई जो। बाजार में जावन रो मन नहीं है और इतनी मेहनत करन रो मन रही है, और साफ सफाई रो भी आपने है कि नहीं यार एड़ी वेड़ी जगह नहीं पिया, तो आप घरे बनार पी सको, बिल्कुल स्वाद वेड़ो ही आयो जेड़ो आपा बाजार में गन्ना रो जूस पिया, और सेम टू सेम समझ लो कोई फर्क ही नहीं है कि गन्ना रो जूस है या आपा गुड़ ने घोलर बनायो, हाँ कोई फर्क नहीं है। तो आप जरूर बनाई जो और मने कमेंट्स कर जरूर बताई जो आप रहो गन्ना रो जूस केड़ो बनियो, मने इंतजार रही आप रहे कमेंट रो। तो जी सुबह आपा बाटी रो नाश्तो कर गन्ना रो जूस पी। अच्छा हाँ गन्ना रो जूस हो याद आयो, गन्ना रो जूस बहुत टेस्टी बनियो थो, एकदम बाजार जेड़ो बनियो, मैंने कोई कह ही नहीं सके कि ये ओ गन्ना रो जूस नहीं है, आपा गुड़ बनायो। हाँ भैया तो गुड़ भी गन्ना रो जूस ही बनिया करे, तो आप लोग भी जरूर ट्राई कर जो। और मैंने इंस्टाग्राम माते कोई वीडियो देखे थो कि ना घर में नहीं बनाओ बिना गन्ना रो जूस बनाओ, तो मैं ट्राई करियो, पति देव ने पसंद आयो, मन ने पसंद आयो, बहुत जोरदार बनियो,
तो आप लोग भी जरूर बनाई जो। और दाल बाटी रो नाश्तो, दाल बाटी कई मसाला बाटी रो नाश्तो करो, गन्ना रो जूस बनायो, पचे घर रो खूब सारो काम करो, पचे खानो खायो। खाना में मैं कई बनायो हो, अच्छा हाँ सुबह आलू की सब्जी बनाई थी और दाल भी पूड़ी बनाई थी, वह तो सांभर खा ली। और मैं बनाई मारो से प्लेन रोटी और मैं जो अचार बनायो फिर सतक आयो, अचार बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोग मारो अचार वालो ब्लॉग नहीं देखे तो जरूर देख जो। अब आज मैं बना रही हूँ चाय सानू वास्ते और मार वास्ते, और आज रो जो डिनर है वो बहुत जोरदार होने वाला है। आज मैं डिनर में बनाऊ गट्टारी खिचड़ी, जोधपुरी गट्टारी खिचड़ी। कुछ लोग बिना पुलाव भी बोल कर रहे पर होवे बात जोधपुरी गट्टारी खिचड़ी है, तो गट्टारी खिचड़ी बनाऊ। और भी सब रोटी नहीं बना वाला, आज मैं बना वाला पैनकेक, जो को पैनकेक बनाई सानू और गट्टारी खिचड़ी बनाऊ मैं, तो दोनों माँ बेटिया मिलकर आज रो डिनर बना वाला। तो आप लोग ब्लॉग में मात्र बने रही जो भैया। तो मैं गट्टारी खिचड़ी की रेसिपी अलग सेपरेट करी है अपलोड, जब मैं रेसिपी अपलोड करती ब्लॉग नहीं बनाती, जब मैं रेसिपी शेयर करी और लोगों ने बहुत पसंद भी आई थी, पर मैं सोचो चलो ब्लॉग शुरू करियोड़ा है तो क्यों ना ब्लॉग में भी गट्टारी खिचड़ी लोगों ने दिखा देवा। और जो राजस्थान में है खासकर जोधपुर में है वन तो सब ने आवे, लेकिन बार वाला वास्ते बहुत हेल्पफुल रही। और आप लोग जरूर बनाई जो, बहुत ही जोरदार बने वा गट्टारी खिचड़ी। तो चलो पहले चाय बनाना, चाय पीला और पच्चे आप शुरू कर रेसिपी। और गन्ना का जूस जरूर बनाई जो सा, और बनाओ तो मैंने कमेंट कर जरूर बताई जो कि आपने की कर लागो। और चाय बनाता बनाता आप थोड़ी बहुत तैयारी गट्टारी खिचड़ी की कर लेवा। आपने इन महीने चाहिए थोड़ो सो साबुत धनियो, जिन्हें आप थोड़ो सो कूट लेवा। मैं साबुत धनियो खूब सारा मंगार फ्रिज में मैंने स्टोर कर लू, ताकि जब भी मैंने कोई चीज में चाहिए तो मैंने बार बार बाजार नहीं भागना पड़े। और साथ ही आप एक कटोरी चावल में धोर अच्छी तरीके से भिगो देवा, ताकि आप पुलाव खिचड़ी बनावा जी तो चावल अच्छी तरीके से भीग जाए। और वही चावल चल रही है जिसका मैं सिरसा में ले आई थी शादी में गई थी जस, और ये चावल बहुत बढ़िया है। तो चलो चाय पी के आ गया है रसोई में। अब बनाऊंगा आप गट्टा, गट्टा वास्ते मैं लियो हूँ बेसन, और भी मैं डालूंगा आप थोड़ी सी अजवाइन, जो साबुत धनिया ने मैं कुट्यो वो भी डाल देंगा, और थोड़ी सी हींग डालूंगा डाइजेशन वास्ते, और मोयन वास्ते डालूंगा आप जो चम्मच है छोटी सी, और दो चम्मच तेल डालूंगा। और गट्टा में चाहिए बित्तो नमक आप डाल देंगा, और लाल मिर्च पाउडर, और आप में डालूंगा एक चम्मच दही, थोड़ा सा और डाल देंगे। तो लास्ट में आप डालूंगा इनमें हरो धनियों, क्योंकि आप गट्टा की खिचड़ी बनाने ला रहे हैं तो गट्टा की खिचड़ी तो फ्लेवरफुल होवेगी, पर गट्टा फीका फीका नहीं होना चाहिए, गट्टा में भी पूरो फ्लेवर होना चाहिए कि गट्टो मुंह में आवे और स्वाद खत्म हो जाए, फीको फीको आ जाए। तो हरो धनियो जरूर डाल लिया। तो पहला आ सब चीजा ने मिला लियागा, और इन सब ने मिला लियो हाँ। और मैं मिला दी हूँ दो भाषा ने एक साथ है, मारवाड़ी और बागड़ी। बीच में बोलती मारवाड़ी और अब बीच में आएगी बागड़ी, पर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आ रही है आपने समझ में आ रही है बस बहुत है। तो आप इन्हें गट्टा बना लेवा, तेल और मसाला सब अच्छी तरह मिक्स कर लिया, थोड़ा थोड़ा पानी डालना, ध्यान रख जो पानी धीरे धीरे डाल जो, क्योंकि गट्टा ज़्यादा पानी लेवा को नहीं, बहुत जल्दी आटो लाग जाए। और थोड़ा सा पानी डालता ही आप देख रहे हो आटो बंधना शुरू हो गया है। और अटे आप देख सको हो मैं लगा लियो हूँ आटो गट्टा वास्ते, अब बस आप गट्टा बनावा। और ध्यान रख जो ज्यादा मोटा गट्टा मत बनाई जो, पतला पतला ही बनाई जो ई साइज रा। और अटे पानी उबालने वास्ते रख दियो हूँ, जे ही पानी में उबाल आई भी पचे आप गट्टा डाल देवा। ध्यान रख जो आप भी कभी भी गट्टा उबालो, पानी में उबाल आया पचे ही आप गट्टा डाल दो पानी में।
और सानू ने मैं एक तो बेटा रे खिचड़ी खिलाऊं, कपूली भी ने खिला दी हूँ, एक मैंने भी खिलानी है पनीर बिरयानी। मैं बनाऊं पनीर स्मोकी दम बिरयानी जो कि बहुत शानदार जबरदस्त बने। आप होटल की बिरयानी भी भूल जाओ ना, बहुत ही अच्छी बनी। बस इंतजार है एक दिन दूध आवे थोड़ा ज्यादा तो मैं सानू ने पनीर बिरयानी बना और खिलाऊं। और बस फटाफट गट्टा डाल उबालना रख दे, बाकी आगे की तैयारी आप शुरू कर दे। और आप लोग बताइए जो आपने कौन सो खिचड़ी, कौन सी खिचड़ी या कौन सो पुलाव पसंद है हमारे साथ है, जरूर शेयर कर जो। मैंने सभी पसंद है पर बिरयानी मैंने बहुत पसंद है, कबूली पीछे भी मैंने बिरयानी ज्यादा पसंद है क्योंकि भी मैं दम देर जो बनावा जो खुशबू आवे नी। अटे पानी उबल गयो है तो गट्टा डाल दा और गट्टा ना आपा एकदम सॉफ्ट होवन तक उबाल लेवा। और सानू क्या देख रही है ये, सानू मुआना, ये क्या है मुआना नाम है? हाँ, डिज्नी कार्टून कैरेक्टर। सानू बड़ी होगी फिर भी छोटी है। आप लोग बताना किस किस के बच्चे ये सब देखते हैं, अभी भी हर्षु देखता है, सानू देखती है। चलो चलते हैं फिर से रसोई में। सानू तो आई हुई है अपनी माँ के घर, लेकिन हम अपनी माँ के घर नहीं है, हम अभी ससुराल में ही हैं यानी कि अपने घर में हैं। तो हमें तो यहाँ पर बना करके खाना है, जब मायके जाएंगे तब हम बना बनाया खाना खाएंगे। तो गट्टे उबल जाए तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे जो गट्टे हैं वो उबल चुके हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो गट्टों को हम ठंडा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, पहले इनको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और गैस पे हम रखेंगे कढ़ाई और हम ये जो गट्टे की खिचड़ी है बनाएंगे देसी घी में। आप चाहे तो तेल में बना सकते हैं या फिर आधा तेल आधा घी भी डाल सकते हैं, मैं पूरा घी में बनाऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने देसी घी डाल दिया है। तो सबसे पहले हम घी में डालेंगे आलू और आलू को फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा हमें आलू को इतना फ्राई करना है कि आलू अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर आलू आप देख सकते हो ब्राउन कलर के हो गए हैं, अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। अभी एक स्लाइस किया हुआ प्याज भी हम फ्राई करेंगे, इसको भी हम ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। देख रहे हो प्याज फ्राई हो रहा है। इस तरीका आप प्याज कबूली में बिरयानी में पुलाव में कि में भी डाला बहुत ज्यादा अच्छा लगे, अने आप बरिस्ता भी बोल सको हो, पर आप बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत ही कर बस निकाल ले। और प्याज फ्राई हो गया है, अब आप निकालना। और अब मैं फ्राई कर रहा आपा गट्टा। और गट्टा ने आपा 2-3 मिनट फ्राई कर निकाल लेवा बस। और गट्टा निकाल लिया है, अभी ये घी में आप डाला जीरो और थोड़ी सी दालचीनी, 4 काली मिर्च, छोटी इलायची और 2 लौंग। और 1 कटोरो प्याज और हरी मिर्च। और प्याज और हरी मिर्च को थोड़ा सा पकाने के बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, जितना तीखा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मसाले डाल सकते हैं। और डालेंगे नमक
और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी और कुटा हुआ लहसुन और मसाले को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी, बिल्कुल जरा सा पानी डाला है क्योंकि बाद में हम डालेंगे इसमें दही। और अभी हम डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच दही और लगातार चलाते हुए दही को पका लेंगे और दही में उबाल आएगा तो फ्लेम को लो करके हम मसाले को थोड़ा सा पकाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले में आ गया है उबाल, तो हमने जो गट्टे फ्राई किए थे वो डाल देंगे ताकि गट्टों के अंदर भी जो मसाले का फ्लेवर है वो आ जाए। और लो फ्लेम पे मसाले को और गट्टे को हम पकाएंगे। और यहाँ पर गट्टे पक रहे हैं और ये है बिहाइंड द सीन, कोई भी रेसिपी शूट होती है उसके पीछे का नज़ारा ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पर बर्तन, तो गट्टे पक रहे हैं तब तक मैं यहाँ से क्लीन कर दूंगी और बर्तन साफ कर दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गट्टे हमारे धीमी धीमी आंच पे मसाले के साथ पक रहे हैं। अब बस हम थोड़ी देर में इसमें डालेंगे पानी। और अभी हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। मैंने इसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी चावल लिए हैं तो 2 कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। और अटे उबाल आई गयो है पानी में, अब आप में चावल डाल देवा। और एक बार 5-6 उबाल आ जाए तो आप लो फ्लेम मारते ढक्कन लगा इन्हें पकावा। और इन महीने उबाल आ गयो है तो आप गैस ने कम कर देवा और ढक्कन लगा इन्हें पका लेवा। पर इनमें जब थोड़ा सा पानी रह जाए जब आप इनमें डालना ए जो आलू और प्याज फ्राई करिया वे, आलू पक्योड़ा है प्याज पक्योड़ा है, ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में डालना आप हरो धनिया और कटियोड़ा टमाटर, तो फ्लेम ने कम कर दा और इन्हें पकन दा। और यहाँ पर हमारे जो चावल है लगभग पकने ही वाले हैं, पानी खत्म हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे जो हमने आलू और प्याज को पका कर रखा था वो मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें कटे हुए टमाटर। और फ्रेश कटा हरा धनिया। और के 2 मिनट में हम गैस को बंद कर देंगे। हमारा गट्टा पुलाव तैयार। और अटे सानू बना रही है पैनकेक और एक अटी ने बना दियो है जो मैं खार बताऊं। मैं खार देऊं रिव्यू सानू ने केड़ा बनिया। एकदम सॉफ्ट नहीं सॉफ्ट। तो चलो सा पैन केक सानू बना रही है और मैं खार पचे आप उमीलू को नहीं। मैं आज रो ब्लॉग अटे ही खत्म कर रहा। तो चलो सा आज रो ब्लॉग अटे ही खत्म कर रहा। मिला आपू नया प्यारा सा ब्लॉग मैंने। मारो ब्लॉग मारी मेहनत पसंद आवे तो प्लीज आपू रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग ने लाइक जरूर कर जो, कमेंट्स कर जो, ज्यादा से ज्यादा सबरे साथ शेयर कर जो। मारी मारवाड़ी केड़ी लगी वह भी मैंने कमेंट्स कर जरूर बताई जो। मैं बीच बीच में भूल जाऊँ मारवाड़ी बागड़ी हिंदी सब मिक्स हो जाए, हमारी खिचड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छा अच्छा आप लोगों साथ वास्ते अच्छा अच्छा ब्लॉग ला पाऊँ। तो चलो मिला आपू एक नया प्यारा सा ब्लॉग महीने अच्छा।